हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपने पीसी या अपने लैपटॉप पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और देखने के बाद आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपने पीसी या लैपटॉप पर यूज़ कर पाएंगे। सो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले आपने एक एमुलेटर इंस्टॉल कर देना है अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में जिसका नाम है नॉक्स प्लेयर। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपने नॉक्स प्लेयर एमुलेटर को कैसे इंस्टॉल करना है और फिर उसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने नॉक्स प्लेयर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस सिंपली आपने नॉक्स प्लेयर एमुलेटर को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में और उसके बाद आपने ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपने सबसे पहले लॉगिन करना है अपने जीमेल अकाउंट को, और जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर देने के बाद आपने यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करना है। सर्च के ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम को सर्च कर देने के बाद आपके पास इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। गाइस ये एक्चुअली गूगल प्ले स्टोर है तो आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ गाइस। इंस्टॉल कर देने के बाद गाइस आपने सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपने लॉगिन करना है अपने अकाउंट को। सो गाइस लेट मी लॉगिन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। दैट्स इट गाइस, एज यू कैन सी कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो चुका है। लॉगिन कर देने के बाद गाइस आप यहां पर आप डीएम कर सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको इंस्टाग्राम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मिलते हैं, ये सेम वही चीज़ है। तो आप यहाँ पर ये सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप इसी सिमुलेटर के थ्रू एंड्रॉयड गेम्स खेल सकते हो और आप सोशल मीडिया के किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रन कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर। गाइस इसी सिमुलेटर की सबसे ख़ास बात यह है कि ये सिमुलेटर बहुत फास्ट चलता है, बहुत स्मूथ चलता है और ये एक लो एंड पीसी या एक लो एंड लैपटॉप के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आप इसी तरह इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर। गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।